की सब्जी मंडी को एक्सप्लोर और जानते हैं मंडी में आई कौन कौन सी सब्जियां आई और उनके क्या क्या बाजार हैं। आज है जी 5 मार्च 2024, तो दिन है जी मंगलवार। मंगलवार के दिन जो है जम्मू की सब्जी मंडी में ग्राहक थोड़ा कम रहता है। जैसे कल हमने दिखाई कि आपको काफी भीड़ भाड़ थी मंडी में, लेकिन कल के मुकाबले में आज जो है ग्राहक थोड़ा कम है, क्योंकि आजकल थोड़ा श्रीनगर के लिए भी कार्रवाई सिस्टम हो गया है। एक दिन कार्रवाई जो है श्रीनगर के लिए होती है, एक दिन होती है श्रीनगर से जम्मू के लिए। तो आज कार्रवाई है श्रीनगर से जम्मू के लिए और कल यहां से कार्रवाई रहेगी जम्मू से श्रीनगर के लिए। तो एक दिन यहाँ थोड़ा मंदा होता है। वैसे भी मंगलवार वाले दिन जो है यहाँ पर थोड़ी मार्केट डाउन रहती है, क्योंकि संडे को छुट्टी होती है और छुट्टी के दूसरे दिन सोमवार को काफ़ी लोग आते हैं, फिर मंगलवार को थोड़े लोग कम आते हैं। तो आज हम सबसे पहले दिखाने वाले हैं जी आपको पत्ता गोभी। पत्ता गोभी वैसे मार्केट तो इसकी डाउन नहीं है, लेकिन बिक्री कम है। ये पत्ता गोभी सबसे सुपर क्वालिटी मलेरकोटले वाली, तो इसके बाजार हैं जी यहाँ आज 13 से लेके 14 रुपए किलो। ये है जी फूलगोभी। ये फूलगोभी जो है मलेरकोटले वाली है। यहाँ पे 2-3 किस्म की फूलगोभी आ रही है, एक मलेरकोटला से, एक लोधी सुल्तानपुर से, फरीदकोट से, जम्मू की लोकल फूलगोभी। ये वाली फूलगोभी आज फूलगोभी के बाजार जो है कल से बहुत अच्छे हैं। कल यहाँ फूलगोभी 8 से शुरू हुई थी और नीचे गई थी, लेकिन आज यहाँ फूलगोभी सुबह 11-12 रुपए और अभी जाके 15 रुपए किलो भी बिक रही है, जो सुपर क्वालिटी है बढ़िया वाली। इसके साथ में यहाँ जम्मू की लोकल फूलगोभी भी होती है, वो भी दिखाएंगे आपको उसके क्या बाजार है। मलेरकोटला वाली पत्ता गोभी के साथ साथ में यहाँ पे एक पत्ता गोभी और आती है, ये यूपी से थाना भवन वाली साइड से, उससे क्वालिटी थोड़ी नॉर्मल। ये देखो आप इस पर ना वहाँ पे कहीं ओले भी पड़े हुए हैं, ये ओलों के निशान है, तो इसकी वजह से ये क्वालिटी थोड़ी हल्की हो गई है। तो इसके बाजार हैं जी यहाँ 12 रुपए किलो। तो पत्ता गोभी के साथ में जो है गाजर के बाजार भी यहाँ थोड़े पहले से तेज़ हो चुके हैं। ये गाजर यहाँ 12-13 रुपए किलो बिक रही है जयपुर वाली, तो जो साथ में पंजाब की गाजर है वो भी यहाँ समझ लो 10 रुपए किलो तक बिक रही है। तो अभी हम दिखाएंगे जी आपको साथ में ही खीरा। खीरे के बाजार जो है ये भी मंदे नहीं है, कल जैसी पोजीशन है, 22-23 से लेके 25 रुपए किलो तक, लेकिन बिक्री नहीं है। मंडी में ग्राहक आएगा तो सौदा बिकेगा। मार्केट जो है मंडी में तेज़ी है, लेकिन बिक्री बहुत कम है। देखो अभी तक जो है मंडी में माल बैलेंस है, माल बिके नहीं है। तो साथ में ये पीली गाजर दिखाएंगे। पीली गाजर के बाजार यहाँ जो बढ़िया पीली गाजर है 10 से 12 रुपए किलो। ये आ गया पिंक बैंगन। पिंक बैंगन जो है ये भी इस वक्त इसकी काफ़ी बिक्री होती है, लेकिन अगर इसके रेट की बात करें तो 22 से लेके 25 रुपए किलो। तो साथ में ही हम दिखाएंगे आपको हरे पत्ते वाली सब्ज़ी। दिल्ली से जो गाड़ियां आई हैं, जो जलंधर से गाड़ियां आती हैं, आलू प्याज के टमाटर के रेट चलते हैं मंडी में, देखते हैं क्या क्या पोजीशन रही है। आए वीडियो की शुरुआत करते हैं शॉप नंबर 129 से राजू भैया से। तो सर कैसे हो आप? बिल्कुल भैया बढ़िया, मज़े में। कल मार्केट अच्छी थी, तो आज के बाजार कैसे रहे? मैं कल का बाजार था मटर का 40 से 45 तक। जी जी। आज 30 से लेके 40 तक। 30 से लेके 40 शुरू हुआ था, 30 में आ गया। सही है, लेकिन जो सुपर क्वालिटी है वो थोड़े महंगे भी बिके। सुपर क्वालिटी बिकी भैया, जो मौके वाली डायरेक्ट आती है ना। जी जी। फिरोजपुर वाली तो वो समझ लो वो बिकी है 45 रुपए तक। 45 भी बिकी है, 45 भी बिकी है। तो अगर हम जहाँ से आ रहा है माल वहाँ के रेट अगर जम्मू के रेट से कंपेयर करें तो मुझे लगता है की इसमें खास पड़ता नहीं है। जम्मू में मंदा है, वो बाजार रेट पीछे तेज है। बाजार पीछे रेट तेज है, सही है। व्यापारी को नुकसान हो रहा है। व्यापारी को नुकसान है। तो ये वाली क्वालिटी जो है ये भी फिरोजपुर वाला ही माल है? यही मगर क्वालिटी थोड़ी हल्की है। ये आपने बेचा है 30 से 40 रुपए, तो सुपर क्वालिटी का रेट 45 रुपए किलो। सुबह का बाजार जो था 40 रुपए था, अब 30 रुपए आ गया। सही है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे ये फल तो ज्यादा फ्रूट मंडी में बिकता है, लेकिन इसमें मौसम ठंडा है, कम डिमांड है ना अभी। कम डिमांड, गर्मी का फल है, गर्मी में ज्यादा। सही है, अभी जैसे जैसे गर्मी ज्यादा बढ़ती जाएगी और इसकी डिमांड ही बढ़ेगी। बिल्कुल। तो वैसे आज के बाजार क्या है इसके भैया? समझ लो 18 से 22 तक। 18 से 22 रुपए, 20 रुपए मान के। सही है, 20 रुपए। सही है जी। तो यहाँ पे स्कॉच है माड़ू, ये तो हल्की क्वालिटी है, बढ़िया वाला सुभाष जो है ना, बढ़िया। 15 से 18 तक। आज के बाजार, आज का बाजार। कल 18 से 20 भी बिका था, 17-18 रुपए। ये तो बिल्कुल हल्की क्वालिटी है। सही है। यहाँ पे घिया लगा है आपके पास, ये भी क्वालिटी थोड़ी नॉर्मल है, तो ये वैसे यही आ रहा है वहाँ से अभी। भैया अगर स्पेशल आएगा ना लिफाफे में, उसका बाजार है 28-30 रुपए का। जी जी। ये जो बाजार है ना, ये समझ लो 22 से लेके 25 का।
22 से 25 जो नॉर्मल घी 22 से 25 अगर सुपर क्वालिटी आएगी वो 30 से ऊपर बेचनी पड़ेगी। 30 से 35 बिक जाती है, नया वाला होना चाहिए वो अभी 10 दिन के बाद मुझे लगता है कभी आता है अभी 10 दिन के बाद। 10 दिन के बाद सही है जी। तो भिंडी की क्या पोजीशन है? भिंडी अगर सुपर होगी तो 50 रुपए अभी इसको 40 रुपए का 40 रुपए ये थोड़ी डेढ़ रुपए ट्रैक्टर की आती है ना, ये जो ट्रैक्टर भिंडी आ रही है ना जी तो उसका बाजार 50 रुपए उसका बाजार 50 रुपए है सही है। जब मगर जब डायरेक्ट गाड़ी आ जाए उसमें भी कई किस्म के लाट होते हैं जो बढ़िया लाट है। दो चार दिन पहले थोड़ी नीचे हो गई फिर से ऊपर आ रही है सही है। तो जैसे ये एक दो दिन पहले मौसम खराब हुआ ओले वगैरह पड़े हैं तो लगता नहीं है कि बाजार नीचे आ सकते हैं अभी? अभी कोई चांस नहीं है वैसे, अभी बाजार ऊंचे ही रहेंगे, बाजार ऐसे ही रहेगा। तो अर्जुन अभी फर्म का नाम बता दे। ठाकुर एंड को। शॉप नंबर? शॉप नंबर 96। मोबाइल नंबर? 94191956। मैं अभी शॉप नंबर 94 पे हूँ रोहित भैया की दुकान पे। तो आज फिर से हमारे साथ जम्मू के किसान है सोमनाथ भैया, तो इनसे जानते हैं इनके पास ज़्यादा जो है हरे पत्ते वाली सब्जियां ही होती हैं, ये यही लाते हैं घर से, पालक हाग साग मेथी धनिया वगैरह। तो सोमनाथ जी कैसे हो आप? बहुत ठीक है सर। बढ़िया बढ़िया। आज कैसी रही वैसे? ग्राहक कम था आज मंडी में? आज ग्राहक भी कम था और बहुत बिकापन। अच्छा, माल भी सस्ते बिके हैं। तो सबसे पहले हम धनिया से शुरुआत करते हैं। धनिया 10 रुपये किलो। धनिया 10 रुपये किलो बेचा है, सही है जी। तो इसके साथ में चीरमी पालक है? चीरमी पालक 15 रुपये 15 रुपए किलो। चलो पहले से अच्छा है, पहले से अच्छा है। तो जो चौड़े पत्ते वाला पालक है वहाँ उसके क्या बता रहे हैं? वो भी यही रेट है, वो भी यही रेट बिका है। तो जम्मू के लोग ज्यादा खाते हैं ढोडी पालक, तो उसके क्या बता रहे हैं? ढोडी पालक 10 से 15 रुपए किलो। तो जैसे पिछले कल लोडिंग थी श्रीनगर की, तो पिछले कल के साथ अगर रेट हम जोड़े तो आज उससे फर्क, उससे डाउन है थोड़ा। आज कल तेजी थी, कल तेजी सही है जी। तो इसके साथ में हमें आप दिखाएं हाग साग क्या भाव बेचा है? हाग साग 25 25 रुपए किलो, सही है जी। हाग साग के रेट अच्छे हैं। सरसों का साग आ रहा है? सरसों 40 रुपए किलो, सही है जी। सरसों का साग अब महंगा हो गया, शादी का मौसम चल रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, शादी में ज्यादा यूज होता है उसका, सही है जी। तो उसके साथ में चलेरी आ रही है? चलेरी अभी नहीं आ रही, चलेरी नहीं है। तो बाथू? बाथू आ रहा है। बाथू क्या भाव? 20 रुपए किलो। दूसरे आते हैं यहाँ पे सोवे, वो आए थे अपने पास 30 तक, सही है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, धन्यवाद। मैं हूं जी अभी शेड नंबर 99 पे राम भैया के पास। तो इनका मैं आपको बताता हूं कि इनका ज्यादा काम जो है वो लहसुन का ही है, 12 माह। तो सर कैसे हो आप? बहुत अच्छे हैं जी। बढ़िया हो। कल कार्रवाई थी यहां से जम्मू से श्रीनगर के लिए, आज जो है श्रीनगर से जम्मू है। तो आज थोड़ा ग्राहक कम होता है मंडी में, ग्राहक कम है। अब ऐसे भी है, मंगलवार है ना, मंगलवार के दिन, सोमवार को शनिवार को थोड़ी तेजी रहती है जी जी, तो आए मंगलवार को उसकी वजह से ग्राहक कम होता है। मान लो जो दुकानदार माल लेके गए हैं उनके पास कुछ माल बैलेंस होते हैं, वो बेच के अब कल थोड़ा बहुत ग्राहक फिर से निकलेगा। कल सही है। तो अगर हम रेट को कंपेयर करेंगे सोमवार के हिसाब से, आज के रेट क्या है, कल क्या थे, आज क्या है? कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, पीछे बाजार टाइट है, इधर बाजार 5-7 रुपए और मंदा किया है। अच्छा, इधर मंदा किया, मंदा किया है। जो माल कल 150 मंडी बिक रहा था जी जी, और गाड़ी सुबह थोड़ी लेट हमारी आई थी जी जी, तो 140 उसका वेट खोला उसका। ये अच्छा, भी बढ़िया क्वालिटी। हाँ जी, ऊटी, ऊटी भी आपकी क्वालिटी है। ये 148 खोला था उसका, 140 रुपए आज ये। हाँ जी, जितना मर्जी ले लो। कल 150 था, कल 150 था, 55 भी था जी जी, आज 40 पे रखा, रेडी गाड़ी लेट पहुंची थी इसलिए जी जी। माल तो काफी मोटी क्वालिटी है, बहुत बढ़िया साइज है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है जी जी। ये वही माल है राम भैया जो 350 बिकते थे? हाँ जी, हाँ जी, समय समय की बात है। सही है, 200 रुपया उड़ गया इनका, सही है जी। एक देसी माल है ये वाला, ये क्वालिटी 120 की चला के 110 बेची है ये, 120 से 110 रुपए। हाँ जी, सही है जी। और ये थोड़ा और साइज छोटा है ये जी जी, और थोड़ा कली खिली हुई है जी जी, ये बेचा कोई 85 नंबर बेच लो। अच्छा, आज 100 से अंडर 100 भी है आज? नहीं, थोड़ा साइज भी फर्क है ना, साइज भी छोटा है। चलो हाँ, मान लो जो जिसके पास कम पैसे हैं भाई वो काम कराने के लिए चलेगा उसका। ये बेचा ये 80 रुपए किलो जी जी। ये कूटी जन आपके पास पड़ा है जी जी, ये 140 ये चाइना क्वालिटी क्या है, जिसका क्या रेट है सर? चाइना अब ये वाला जो चाइना से आता है जो, ये सर ये पुराना हो गया अब जी जी, ग्राहक कम पकड़ रहा है इसको जी जी। परसों तक तो इसका बाजार 200-220 का था जी जी, आज 160 रुपए चलाया इसको, 160 रुपए। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर हम देखें ये पुराने माल हैं, हाँ जी, तो इनमें घाटे हैं ये, इतना मुझे लगता है बिल्कुल घाटे हैं। ये नुकसान है इसमें, मोटा नुकसान है, मोटा नुकसान है बेचने वालों को। हाँ सही है। तो राम भैया साथ में आप कभी कभी नारियल भी मंगा देते हो, तो मुझे लगता है नारियल भी काफी, इसके भी बाजार ऊंचे हो गए हैं। फ्रूट मंडी में तो मेरे ख्याल ये 40 रुपए पीस बिक रहा, 40 प्लस ही होगा शायद। हाँ जी, मैंने बेचा 35
35 नेट भेज दिया आपने, 35-37 का पैकेट। सही है जी। तो मैं वीडियो देखने वाले सभी भाइयों को बताता हूँ कि राम भैया का 99 नंबर शेड है, तो अगर आप नारियल लेना चाहते हैं बहुत ही बढ़िया क्वालिटी इनके पास जो है पड़ा हुआ है, 3500 नेट जो है इनके पास माल है, तो आप आए यहाँ पे, आप यहाँ से भी ले सकते हो, फ्रूट मंडी के साथ साथ में यहाँ पे भी नारियल है, यहाँ से भी खरीद सकते हो आप। सही है राम भैया, अपनी फर्म का नाम बता दे आप हमें। राम महाजन। शॉप नंबर 99। मोबाइल नंबर 7006459682। मैं अभी मौजूद हूँ जी शॉप नंबर 59 पे, तो मेरे साथ है तरसेम जी, तो इनसे जानते हैं हम, इनके पास टमाटर की गाड़ी है डायरेक्ट, इनके पास जो है दिल्ली की मिक्स गाड़ी आती है, तो ये अभी बैठे हुए हैं, थके होते हैं, अब इनको हम कष्ट नहीं देंगे भाई उठो, तो हम कुछ सब्जियां आपको दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन रेट हम आपको जेन्युइन बताएंगे कि कौन कौन सी सब्जी क्या क्या रेट बिकी है। सर कैसे हो आप? ठीक ठाक। बढ़िया हो सर। तो अभी थोड़ा रेट की बात करते हैं, मुझे सबसे पहले टमाटर का बताएं आप, सुपर क्वालिटी है क्या? टमाटर जैसा जैसा माल है 700 से लेके 800 का बिका। 700 से लेके 800 रुपए। सही है जी। जो सबसे सुपर क्वालिटी है वो 800, बाकी उसके 700। तो इसके साथ में हरी मिर्च का बता दे मेरे को, उसके क्या बता रहे? मिर्ची भी है जो बढ़िया मिर्ची है 55 रुपए, बाकी दूसरी 50-55। सही है। मुझे एक बात बताएं आप, जो एक आपकी क्वालिटी आती है ये आप बेचते हो 50 से 55, सुपर क्वालिटी होती है, एक जलंधर से गाड़ियां आती हैं उनमें मिर्ची आती है वो सस्ती बेच देते हैं, वो फिर जैसी जैसा माल हो फिर पैसे बिकेगा ना, क्वालिटी नॉर्मल, क्वालिटी नॉर्मल होगी तो फिर ये मिर्ची होती है सुपर नागपुर वाली, वो बिकी है 40, जो नॉर्मल होगी 40 बिकी होगी 40। सही है जी। तो इसके साथ मुझे बताएं आपके, आज कचालू मंगा दिया आपने दिल्ली से, कचालू बेचा 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो। सही है जी। तो लौकी क्या पोजीशन रही है? लौकी जो बढ़िया है 35 रुपए किलो। तो घिया? घिया जो बढ़िया 35, बाकी हल्का 25-30। सही है। भिंडी के क्या बाजार रहे? भिंडी 50-55। करेला? करेला बिका है 70-75। 75 रुपए। शिमला मिर्च? शिमला मिर्च बिकी जो बढ़िया दिल्ली वाली वो बिकी आज 78-80 रुपए, बाकी जो बाहर वाली है 78 से 80 रुपए। हाँ जी, हाँ जी। सही है जी। तो दूसरी जो पंजाब की आई है वो बिकी 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो। सही है। शिमला भी काफी रिकॉर्ड बनाने लगी सब्जियाँ। सही है जी। तो इसके साथ में नींबू का बता दे मेरे को थोड़ा, नींबू ये 100 की रेंज में चल रहा है। 100 की रेंज। सही है जी। सर 5-6 दिन के बाद रमजान है, सब्जियों की थोड़ी डिमांड रहती है, तो क्या लगता है और ऊपर जैसे बीन से कल बिकी थी 40 रुपए, आज बिकी 37। तो अभी बीन्स का बाजार ठीक हो जाएगा जब रमजान शुरू होगा, तो लोडिंग शुरू हो जाएगी सेनागर की। जी जी। आगे पीछे तो बाजार थोड़े अभी ऊंचे ही रहेंगे, अभी मंदा, अभी महीना अभी कोई मंदा नहीं, महीना मंदा नहीं, कोई नहीं। खीरा आया, खीरा बिका 35 रुपए, 35 रुपए हाइब्रिड वाला, हाइब्रिड वाला ठीक है, उसके साथ काला जो आता है वो सस्ता है, बहुत सस्ता। सर अपनी फर्म का नाम बता दें आप। भीषण दास एंड सन। शॉप नंबर? शॉप नंबर 59। मोबाइल नंबर 9419183832। मैं अभी शॉप नंबर 53 पे हूँ, विवेक कुमार एंड सन्स गुरुजी के पास। सर कैसे हो आप? बाजी ठीक है, आप सुनाओ। क्या चल रहा है सर आज? कोई मौसम भी ठंडा हो गया फिर से? मौसम कह रहा है दोबारा बारिश का प्रोग्राम है। ओ सर जी आप थक भी गए, कितनी बारिश होनी है? जितनी बननी थी बन गई, अब बासी हो जाए। सही है, पहाड़ों में तो चलो चलेगी, लेकिन हमें तो अब तो तंग आ गया। जो एक दिन बरी है, 2-4 दिन पहले क्या बारिश हुई है। ओले ओले पहला शनिवार को जिस दिन छुट्टी थी, दूसरा बड़ी बारिश हुई रात, तबाही हो गई। सुबह का बताया था नेट में, लेकिन सुबह नहीं हुई, सुबह नहीं हुई, वो शाम को पूरी हुई थी। अगर वो कहीं सुबह हो जाते जख्मी हो जाए ना सारे मंडी वाले, मंडी वाले सारे जख्मी थे। चलो आप तो मैं बच जाते, टोपी बिना टोपी वाला तो गए, वही तो कह रहा, बाकी जख्मी हो जाते। सही है जी। वैसे मौसम कभी ठंडा कभी गर्म, तो मंडी भी वैसे ही चल रही है, मंडी भी मौसम के हिसाब से चल रही है ना। सही है, वैसे ये काम ही एक ऐसा है, ये डिपेंड ही मौसम पे है। सही है, ज्यादा गर्मी हो गई फिर भी मंदा, ज्यादा ठंड हो गई फिर भी मंदा, तो कभी ठंड में तब मंदा। सही है जी। वैसे आपको तो असर होता नहीं है, मंदी हो मंदा हो तेजी हो, आपको तो मुस्कुराहट ही रहेगी आपके चेहरे पर। ये और क्या जी, ये मुस्कुराहट है तो काम चल रही है, बाकी ऐसे काम खराब ही है। सही है जी। तो क्या फूलगोभी बेच रहे हो आप ज्यादा? फूलगोभी थी आज बिकी 10-11-12 रुपए बिकी है, थोड़ी थी लेकिन जो कल वाली बची थी। वैसे ये जो होता है ना, मान लो पिछले कल बहुत ज्यादा मंदा, तो आज बाजार में फूलगोभी थोड़ी कम आई थी, आज पीछे भी कह रहे थे मार्केट भी तेज है। अब ये है की ये किसी को पता नहीं लगेगा, आज किसी ने 10 बेच दी, देखो बेचना तो है सौदा। सही पता लगता आपकी साइड में क्या मोल है गोभी का, क्योंकि वहाँ 3-4 गाड़ी लाइन भी होती है, उसी पे डिपेंड करता है क्या मोल है, क्या रहेगा सिस्टम। ठीक है सर। तो फूलगोभी 10-11 रुपए किलो हो गए, बढ़िया माल जो चल रहे हैं। ठीक है, तो उसके साथ में पत्ता गोभी क्या पोजीशन रही है? गोभी बिकी है 12-13 रुपए। लेकिन बिक्री नहीं है कोई खास, बिक्री नहीं है, बिक्री है। अब कोई कह रहा मैंने 10 रुपए लिया वहाँ, हाँ बिक रही है, तो
बिक रही है। क्या कह सकते हैं तो गाजर थोड़े ऊपर, गाजर 220 रुपए बिकी है, वो वाली थोड़ी पतले पन में होती है, बाकी मोटे पन में बिकी है 300। कल महंगी बिकी थी जयपुर वाली गाजर की डिमांड, वो डिमांड है क्योंकि वो भी अब लास्ट ही है ना। अब कदू भी वो दूसरी चलेगी पंजाब जो पीली वाली होती है। सही है सही है, ये अब लास्ट ही है और 5-7 दिन की खेड़ है। सही है सही है। तो नाटी भैया मंडी में ना लालगी खत्म हो गई है, वो अब सफेद चेहरे दिखाने दिखने शुरू हो गए, बात नहीं रही मंडी में। बस बस बस। तो अब वैसे कैसा महसूस होता है जब कुर्सी पर बैठ, क्या करना भाई, हमने तो जम्मू मंडी के हिसाब से चलना है, हमने रहना भी यहाँ, जीना भी यहाँ और मरना भी यहाँ। आजकल जल्दी तो चले जाते हो घर? नहीं, फिर भी टाइम लग ही जाता, कल भी 1:30 तो बज गया था। अच्छा बच गया। कल गोभी बिकी नहीं थी क्या, हल्की थी थोड़ी गोभी। सही है सही है। लेकिन जो पहले वो स्ट्रेस रिलीज करते थे आप, जो सुबह का बंदा दुख मतलब गुस्सा चढ़ा होता था ना, वो 12 बजे अपने आप नीचे आ जाता था, स्लो मोशन में आ जाता था, क्योंकि चेहरे मिल जाते थे अच्छे। तो आप अगर इशरत जी यहाँ कैमरा लगाएंगे, लेकिन यहाँ तो मुझे कोई दिख नहीं रही है ऐसी पहले। मैं वही तो कह रहा है ही नहीं कुछ, है ना, हमारे पास ही दिखाई दे रहे हैं, वो वाले पास ही नहीं दिखाई दे रहे। सही है सही है सही है। तो अपनी फर्म का नाम बता दें। विवेक कुमार सन, शॉप नंबर 53, मोबाइल नंबर 9419197612।